एडीनोसाइन ग्वेनोसाइन था यूरिडिन साइटिडिन, ऑल आर ये सभी न्यूक्लियोसाइड्स हैं क्योंकि इनमें फॉस्फोरिक एसिड जो ग्रुप है वो या जिसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड ही नहीं हुआ है तो हम इनको क्या बोलेंगे टीचर्स वी यूज टू कॉल दैम न्यूक्लियोसाइड्स अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो एडिनोसाइन का हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड ग्वेनोसाइन का हो जाएगा ग्वेनिलिक एसिड यूरिडाइलिक एसिड का हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड बनेगा किससे बनेगा यूरिडिन से साइटिडिन का हो जाएगा साइटिडिलिक तो होते हैं टीचर्स न्यूक्लियो टाइट्स आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू है ना ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं इसमें रहना चाहिए ठीक है ना तो हमेशा याद रखिए नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ हम जोड़ दें क्या शुगर तो बनेगा न्यूक्लियो साइड है ना और अगर हम शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और इसके साथ हम एक और जोड़ दें क्या फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड तो बनेगा टीचर्स न्यूक्लियो टाइड ऑलवेज रिमेंबर दिस इसके अंदर एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूं आपके लिए इसके अंदर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूं एक आ, आपके जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं थायमिडिन थायमिडिन और यहां पर भी एग्जाम्पल लिख देते हैं था एसिड इट इज लाइक दिस तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल बिल्कुल आपको आ गया होगा समझ में तो हमें क्या करना है इसको प्रॉपरली क्या करना है हमें मार्क करना है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज द राइट आंसर